जिला प्रशासन से नाराजगी जताते हुए ग्राम पतुरा के सैकड़ों ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर 14 एकड़ में बनाए जा रहे खदान का विरोध जताया, साथ ही खदान की स्वीकृति निरस्त कराए जाने का ज्ञापन सौंपा। खदान खोले जाने के विरोध में ग्राम सेलुद क्षेत्र के पतुरा के सैकड़ों ग्रामीणों व सरपंच सहित पंचायत प्रतिनिधियों ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर जनदर्शन में ज्ञापन सौंपा, जिसमें जिला प्रशासन द्वारा 14 एकड़ में बेवजह खदान खोले जाने को लेकर आक्रोश जताया। इस दौरान बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीणों ने अपने हाथों में तख्ती लेकर नारेबाजी की और कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव कर डाला। बता दें, जिस तरह से खदान के विरोध में ग्रामीणों का प्रदर्शन और आक्रोश जताया जा रहा है, उससे क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है। हाल ही में पतोरा में ग्रामीणों ने एक खदान के खिलाफ प्रदर्शन किया था, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया था। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि खदान से होने वाले प्रदूषण और भूमि अधिग्रहण से उनके जीवन और कृषि जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही बताया कि ग्रामीणों ने ये भी आरोप लगाया कि खदान के प्रस्तावित विकास के लिए बिना उचित सर्वेक्षण और सुनवाई के भूमि अधिग्रहण किया गया है। स्थानीय ग्रामीणों ने ये भी कहा कि हमें ये नहीं पता कि खदान से हमें क्या लाभ होगा, लेकिन हम जानते हैं इससे हमारी फसलें और स्वास्थ्य जरूर प्रभावित होंगे। प्रदर्शन में शामिल अन्य लोगों ने यह भी बताया कि खदान के प्रस्तावित क्षेत्रों में कई जल स्रोत और वन्य जीव हैं, जो पर्यावरण संतुलन के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे आगे सड़क पर आकर उग्र विरोध करेंगे। इस संबंध में उन्होंने प्रतिक्रिया दी है कि खदान जो खुल रही है वो नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि खदान खुलने से पहले भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, आज भी परेशानी हो रही है। जल स्तर है जो नीचे जा चुका है और वहाँ पे एक बस्ती बसने जा रही है। उधर खेत में काम करने वाले मजदूर लोग डरते हैं कि जाएं कि ना जाएं। जब ब्लास्ट होती है तो पूरा घर हिल जाता है, सिर्फ घर ही नहीं नीचे से पूरा धरती हिल जाती है। और दूसरा, वहाँ पे अगर कोई जाते हैं मजदूरी करने भी, उसको डर लग रहा है कि कब कौन सा पत्थर आके हम लोगों के ऊपर गिर जाए। नहीं, खदान बंद होना चाहिए। अगर मालूम नहीं होता तो चक्का जाम करेंगे, जो भी हम लोग चक्का जाम करेंगे, कोई भी हालत में खदान नहीं खुलना। पतोरा में पहले से ही बहुत सारे खदान है, फिर भी अभी और खदान खोला जा रहा है, जो 14 एकड़ जमीन में खोला जा रहा है। खदानों से हम लोग पहले ही परेशान हैं, और 14 एकड़ की ज़मीन में और खदान खुलने से और कितना, मतलब ऐसे है कि ब्लास्टिंग होता है ना, तो अभी भी हमारे घर हिल जाते हैं और दरार पड़ चुके हैं कई मकान। और हमारे गांव से इतना पास, मतलब गांव पूरा लगा हुआ है, ऐसे जगह पर नहीं खोला जाता भाई। और वो तो मेन रोड से लगा हुआ है, और पहले ही हम गर्मी में मतलब पानी की इतनी समस्या होती है, जल स्तर इतना नीचे जा चुका है, उसके बावजूद और खदान खोल रहे हैं। और उसके ध्वनि प्रदूषण अलग होता है, वायु प्रदूषण अलग होता है, भारी वाहन चलने से सड़क की ऐसी बर्बादी होती है। तो हम लोग पास में जो खेत लगे हुए हैं ना, वो हम लोग खेती नहीं कर पा रहे हैं। पतोरा में खदान 14 एकड़ में खदान खुलने वाला है। हमने 99.9% ग्राम पतोरा के ग्रामवासी विरोध में हैं, और ओनली 0.1% लोग उसके समर्थन में, उसके बाद भी प्रशासन द्वारा खदान खुलने के लिए सहमति दिया जा रहा है। उनको प्रयास किया जा रहा है कि कैसे भी करके उसको समर्थन दिया जाए। हम लोग, हमारे ग्राम के सभी लोग जन सुनवाई में अपना बात रखने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन प्रशासन 5 बजे ही अपना बोरिया बोस्तर पकड़ के भग गया। हमने काफ़ी प्रयास किया, हमारा वक्तव्य सुना जाए, हमारे सभी लोग वहां एकत्रित हुए थे, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई। और प्रशासन द्वारा खदान के मालिकों को सहयोग किया जा रहा है, हम इसका विरोध करेंगे और खदान खुलने नहीं देंगे, ये हमारा प्रयास है, इसीलिए आज विरोध करने के लिए कलेक्टर ऑफिस आए हैं। पतोरा में पहले से 18-19 खदानें खुल चुकी है, जो 54 एकड़ की स्थिति में है, तो फिर अभी खदान खुलने के लिए ये लोग मांग कर रहे हैं और जन सुनवाई किए थे कल। तो हम जन सुनवाई का विरोध करते हुए
खदान नहीं खुलना चाहिए, इसी के लिए आए हैं पूरे गाँव वासी। पहले कितने खदाने थे? पहले 18 खदाने हैं, फिर खदाने खोल, अभी जो खदान खोल रही है 14 एकड़ के एरिया में खुल रही है, जो हमारे गांव से नजदीक है, हमारा शमशानघाट लगा हुआ है, रोड से लगा हुआ है। एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।